साल 1969 में सुनील दत्त और आशा पारेख की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चिराग। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इसके गीतों ने भी सुनने वालों के दिलों में जगह बनाई। फिल्म का संगीत मशहूर संगीत निर्देशक मदन मोहन ने दिया था, जबकि फिल्म के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म को मशहूर डायरेक्टर राज खोसला ने डायरेक्ट किया था। फिल्म चिराग में कुल 7 गाने थे, लेकिन इस फिल्म का एक मशहूर गीत है जिसे एक पाकिस्तानी शायर की नज्म की सिर्फ एक लाइन के आधार पर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब ने ऐसा नायाब गाना तैयार किया कि जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज ने हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस गीत को सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्माया गया था। आखिर कौन सा है ये गीत और क्या है इस गीत के बनने से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, आइए आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। बात सन 1969 की है। जाने माने फिल्म डायरेक्टर राज खोसला एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था चिराग। इससे पहले भी वे कई सुपरहिट फिल्में जैसे CID, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया जैसी बड़ी फिल्में बना चुके थे। फिल्म चिराग के लिए उन्होंने बतौर अभिनेता सुनील दत्त और आशा पारेख को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन राज खोसला साहब किसी से मिलने गए। वहां उन्होंने फैज अहमद फैज की एक नज्म सुन ली और उनकी जुबान पर उस नज्म की एक लाइन चढ़ गई। वो बार बार उसी लाइन को गुनगुनाने लगे। वो लाइन थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में। यूं तो मशहूर शायर फैज अहमद फैज साहब के तमाम कलाम लोगों को मुंह जुबानी याद हैं और कई नामचीन हस्तियों ने फैज साहब के लिखे गीत और गजलों को गाया भी है, चाहे फिर वो जगजीत सिंह हो या फिर मेहंदी हसन। चंद लाइनें जो फैज साहब का सिग्नेचर बन गई उनमें एक थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। साल 1943 में फैज अहमद फैज साहब की पहली किताब नक्शे फरियादी में एक नज्म प्रकाशित हुई, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नमा। ये नज्म जब किताब से निकलकर नूर जहां की आवाज में जगमगाई तो इस नज्म ने बेपनाह शोहरत पाई। जाहिर है फैज की कलम और नूर जहां की आवाज ने इस नज्म की लोकप्रियता के लिए 1+1=11 की तरह काम किया था। अब आते हैं इस नज्म की उस लाइन पर जिसके कारण मजरू सुल्तानपुरी की इस कहानी में एंट्री होती है। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। राज खोसला की फिल्म चिराग के लिए गाने लिखने का काम मजरू सुल्तानपुरी के जिम्मे था। फिल्म का संगीत मदन मोहन बना रहे थे, यानी अभिनेता से लेकर गीतकार संगीतकार तक सब के सब अपने काम के माहिर थे और सभी उस दौर के बहुत बड़े नाम थे। हुआ यूं कि राज खोसला ने मजरू सुल्तानपुरी को फैज साहब की एक नज्म सुनाई जिसकी एक लाइन उन्हें बहुत पसंद आई थी और वो थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में आए। उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी से कहा कि इस लाइन पर फिल्म चिराग के लिए एक गाना बनाए। ये सुनकर मजरू सुल्तानपुरी चौंक गए, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी खुद बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने राज खोसला से कहा कि वो दूसरे शायरों की लाइनों पर काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने राज खोसला से कहा, हाँ इन लाइनों के इर्द गिर्द वे कुछ लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हूबहू उन पंक्तियों का इस्तेमाल वे नहीं करना चाहते। इसके बाद मजरू सुल्तानपुरी ने इस लाइन के आसपास कुछ गीत लिखे भी,
लेकिन राज खोसला को कुछ भी पसंद नहीं आया। उनके दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि जब से राज खोसला ने ये लाइन सुनी थी, उनको अपनी जवानी के दिनों की प्रेमिका की आंखें याद आ गई थी। इसी वजह से उनका दिमाग और कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उधर मजरू सुल्तानपुरी के साथ दिक्कत ये थी कि वो उम्र में फैज से थोड़े छोटे जरूर थे, लेकिन उनका अपना कद बहुत बड़ा था। सन 1965 में ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। वो अवार्ड उन्हें फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए मिला था। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। और साथ ही मजरू सुल्तानपुरी ये नहीं चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई ये कहे कि उन्होंने गाने की लाइनें किसी दूसरे शायर के कलाम से चुराई हैं। यही कारण था कि बात फंस गई थी, लेकिन इसका तोड़ निकालना जरूरी था। मजरू सुल्तानपुरी को समझ आ गया था कि राज खोसला मानने वाले नहीं हैं, मगर फिल्म निर्माता राज खोसला के साथ उनके ताल्लुकात कुछ ऐसे थे कि उन्हें मना भी नहीं किया जा सकता था। फिर इसका तोड़ ये निकाला गया कि मजरू सुल्तानपुरी ने फैज अहमद फैज से संपर्क किया, उन्हें पूरी कहानी बताई, साथ में ये गुजारिश भी की कि उन्हें नज्म की एक लाइन के इस्तेमाल की इजाजत दे दें। फैज साहब दिल के बड़े आदमी थे, उन्होंने सहजता से मजरू सुल्तानपुरी को ऐसा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद मजरू सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा जो हिंदी फिल्मों के कालजयी गीतों में शुमार हो गया। तेरी आँखों सिवा दुनिया में रखा क्या है। इस गाने को रफी साहब और लता मंगेशकर ने गाया, जिसे सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्माया गया। ये गाना फिल्म चिराग का सबसे लोकप्रिय गाना रहा। किस्सा तो ये भी है कि इस गाने के रिलीज के बाद फैज अहमद फैज ने मजरू सुल्तानपुरी को यह संदेश भिजवाया कि उन्होंने नज्म की एक लाइन के साथ पूरा न्याय किया है और बहुत ही शानदार गाना लिखा है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। आज के दौर में जब आए दिन फिल्म इंडस्ट्री में कॉपीराइट की किचकिच सुनने को मिलती है, तब और समझ आता है कि फैज अहमद फैज या मजरू सुल्तानपुरी जैसे लोग कितनी बड़ी शख्सियत थे। आज के किस्से में इतना ही, दीजिए इजाजत।